अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखें। सामने से अगर कोई आपको सलाम करे आपके सामने खड़े होकर या आपके पास मौजूद होकर के, तो उस सलाम के जवाब देने का तरीक़ा तो आपको मालूम है और सलाम करने का तरीक़ा भी उम्मीद है आप जानते ही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दूर से किसी के जरिए से किसी ने आपको सलाम भिजवाया है, तो जिसने भिजवाया है उसके सलाम के जवाब देने का क्या तरीक़ा है, ये आसान जबान में आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि कैसे किसी के भेजे हुए सलाम का जवाब दिया जाता है। सबसे पहले तो आप सलाम करने का तरीक़ा सीखें, सामने कैसे सलाम किया जाता है। सलाम करने के सही अल्फाज ये हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जवाब देने का तरीक़ा ये है जब सलाम करने वाला सामने हो, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो हुई जब आप सलाम करने वाला और सलाम का जवाब देने वाला दोनों पास में मौजूद हैं। अगर किसी ने भिजवाया है तो फिर सलाम का जवाब कैसे दिया जाता है, याद रखें जिसने सलाम भिजवाया है या तो वो मर्द है या औरत है, और जिसने सलाम जो सलाम लाया है वो या तो मर्द है या औरत है, दोनों में से कोई एक ही होगा। जिसने सलाम भिजवाया है और जो सलाम लाया है, अगर दोनों मर्द हों यानी करने वाला सलाम भिजवाने वाला भी और लाने वाला भी, तो फिर सलाम के जवाब देने का तरीका ये है, वालैकुम वअलैहिस्सलाम। जब कोई भिजवाए यूं कहे आकर के फुला ने आपको सलाम किया है और जो सलाम लाया वो भी मर्द है, जिसने भिजवाया है वो भी मर्द है, तो फिर सलाम के जवाब देने का तरीका ये होगा, वालई का चाहे वाव कह लें या ना कहें, या यूं कह लें अलई का वालैहिस्सलाम, आप पर भी और जिसने सलाम भिजवाया है उस पर भी सलामती हो। इसके साथ वरहमतुल्लाही वबरकातु जोड़ लें, अलैका व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो हुआ जब जब सलाम लाने वाला भी मर्द है और सलाम भिजवाने वाला भी मर्द है। इसके बरखिलाफ सलाम अगर लाने वाला मर्द है और भेजने वाली औरत है, किसी औरत महरम औरत ने किसी के जरिए किसी मर्द के जरिए आपको सलाम भिजवाया है, तो फिर इसका तरीका ये है कि आप ऐसे जवाब देंगे, अलैका व अलैहिस्सलाम, आप पर भी और जिस खातून ने सलाम भिजवाया है उस पर भी सलामती हो। ये जब है जब लाने वाला मर्द हो और भिजवाने वाली कोई महरम खातून हो। इसके बरखिलाफ लाने वाली औरत है, सलाम जो लाई है वो लाने वाली औरत है और भिजवाने वाला मर्द है, तो फिर इसका तरीका ये होगा कि आप यूं कहें, अलैकी जो सलाम लाई है उस पर, और जिसने भिजवाया है यानी जिस मर्द ने, वअलैहिस्सलाम, अलैकी यानी जो सलाम लाई है उस पर और जिसने भिजवाया वो भिजवाने वाला मर्द है, तो वअलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लाने वाली तुझ पर भी और जिसने भिजवाया उस पर भी सलामती नाजिल हो। ये जब है जब लाने वाली सलाम औरत है और भिजवाने वाला मर्द है। इसके बरखिलाफ अगर सलाम भिजवाने वाली भी औरत है और लाने वाली भी औरत है, तो फिर सलाम के जवाब देने का तरीका ये होगा, अलैकी व अलैहिस्सलाम। ये अलैकी, ये काफ के नीचे जो जेर में पढ़ रहा हूं, ये औरत को ऐसे ही मुखातब किया जाता है अरबी में, तो जो लाई है उस पर भी और जिसने भिजवाया है उस पर भी सलामती हो। ये मैंने आसान जबान में आपको भेजे हुए सलाम के जवाब देने का तरीका बताया है। आप वीडियो बार बार देख करके समझ लीजिए और जहन में बिठा लीजिए कि अगर मर्द सलाम भिजवाए तो कैसे जवाब देना है, मर्द लाए सलाम तो कैसे जवाब देना है, औरत सलाम भिजवाए तो कैसे जवाब देना है, और औरत सलाम लाए भेजने वाला मर्द हो तो फिर कैसे जवाब देना है। सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में आसान जबान में समझा दी है, आप इस वीडियो को महफूज कर लीजिए और इस तरीका सीख लीजिए और दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।